ग्वालियर भिंड जिले की सीमा पर स्थित बरेठा टोल प्लाजा पर बीती रात टोल टैक्स मांगने से कार सवार युवक इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने फायरिंग कर दी। अचानक चली गोली से वहां मौजूद कर्मचारी बाल बाल बच गए। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 12:30 बजे कुछ युवक एक सफारी गाड़ी में भिंड से ग्वालियर की तरफ आ रहे थे। बरेठा टोल प्लाजा पर उन्हें कर्मचारियों ने टैक्स के लिए रोका तो वे आक्रोशित हो गए और एक गाड़ी आगे बढ़ा दी। कर्मचारियों ने जब रोकने की कोशिश की तो थोड़ी आगे ले जाकर उन्होंने गाड़ी रोकी और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक उतरकर टोल टैक्स के काउंटर के नज़दीक आया। उसने बूम बैरियर हटाकर अपनी दूसरी गाड़ी निकलवाई। कर्मचारी रोकने लगे तो उसे बंदूक से फायर भी कर दिया। अचानक चली गोली से कर्मचारी बल बल बच गए और दहशत में आ गए। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से निकल गए। टोल प्लाजा कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। SP अमित संगी ने बताया कि फायरिंग करने वाले आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपी उसके साथियों के खिलाफ महाराजपुरा थाने में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मेरा टोल प्लाजा पे फायरिंग का, हाँ, ये कल रात की एक घटना है। लगभग 12:30 बजे मेरा टोल प्लाजा जो कि थाना महाराजपुरा अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक व्यक्ति अपनी सफारी से जा रहा है और फिर टोल में शायद पैसे नहीं देने के ऊपर इनका विवाद हुआ और इन्होंने निकाल के अपनी जो गन है उससे एक फायर किया है। इस पे ये आइडेंटिफाइड पर्सन है ऐसा बताया गया है और पूर्व में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। थाना महाराजपुरा में इस पे 307 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके और तलाश की गई। कितने लोग करीबन थे गाड़ी में? ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, परंतु वह व्यक्ति जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो गाड़ी से उतरते हुए फायर करते हुए दिख रहा है और अभी इसकी CCTV फुटेज क्लोज करके जब देखेंगे तो पता चलेगा। गाड़ी का नंबर भी उसमें क्लियर है।